पद्मनापुर क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग में सार्वजनिक स्थान पर सट्टा पट्टी लिखने वालों के खिलाफ विशेष टीम बनाकर दुर्ग के बोरसी बाजार में कसारडी में कार्रवाई कर 12,760 रुपए नगद सहित सट्टा पट्टी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जुआ सट्टा माइनर एक्ट के अपराधों में नियंत्रण एवं अंकुश लगाने क्षेत्र में लगातार त्वरित कार्रवाई कर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पद्मनापुर थाना चौकी प्रभारी वैभव बैंकर के मार्गदर्शन व धर्म सिंह मंडावी के नेतृत्व में सट्टा पट्टी पर कार्रवाई की गयी। गौरतलब है कि लगातार सट्टा पट्टी लिखाए जाने की जानकारी होने के बाद पुलिस विभाग द्वारा इस पर अंकुश लगाने त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पद्मनापुर थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में दुर्ग के बोरसी बाजार व कसारीडी चौक पर घेराबंदी कर 4 आरोपियों को सट्टा पट्टी सहित नकदी करीब 12,700 रुपए जब्त किया, जिसमें अमित मिश्रा LIG 251 बोरसी दुर्ग, कृष्णा यादव वृंदानगर चौक बोरसी, रुपेंद्र यादव अटल आवास बोरसी, राजू यादव को सुलभ शौचालय के पास कसारीडी दुर्ग के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सट्टा पट्टी लिखते हुए पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में प्रभारी वैभव बैंकर ने न्यूज टीम को जानकारी दी। कल दिनांक 6 को सट्टा पर कार्यवाही की गई है। बोरसी बाजार एवं कसारीडी दुर्ग में सार्वजनिक स्थान पर सट्टा चल रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा मुझे मिली थी और उसके तत्पश्चात एक विशेष टीम गठित करके हम लोगों ने वहां पर रेड की थी और कुल 4 आरोपियों को पकड़ा गया था और कुल नकदी जो है वो 12,760 रुपये के करीब पकड़ी गई थी और सट्टा पट्टी के साथ, और उन पर जुआ एक्ट में कार्यवाही कर दी गई। पुलिस ने अपनी दबिश जारी रखी है और जारी रखेगी, और जो भी स्पॉट्स है जहाँ पर भी इनका जुआ सट्टा चल रहा होगा तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग किया जाएगा इस एरिया के अंदर, और उन पर कॉन्स्टेंट दबिश करके उन पर लगातार कार्यवाही होती रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।